बोर्ड के दूसरे तरफ पे मार डालो भैया 200-300 किलो। ये मंदिर जो है भगवान शिव का बना हुआ है और इसीलिए इसको भूतनाथ मंदिर कहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे आप सब, होप आप सब लोग बढ़िया रहेंगे। एंड आज हम निकल रहे हैं अपनी बुआ के घर से, लेकिन अभी हम आए यहाँ पर, एक BVMB का डैम है यहाँ पर कह सकते हो, जो झील कल आपको व्लॉग में दिखाई। तो अभी ये बोट है बॉयज, गाइस ये बोट है एंड इससे अब हम पूरी झील पे घूमने जाएंगे। जितनी झील आपको दिख रही है, आसपास का व्यू देखो भाई कितना सुंदर है। साथी हाथ निभाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ पटाना। अर्जुन भी आ गया, अर्जुन भी है। बोलो जुबा केसरी। ये क्या वहां तक चढ़ता पानी? नहीं, वो मेजरमेंट के लिखी हुई है। बरोबर आगे कभी कभी ज्यादा एक्सेस हो गया। ये बोट एक साइड को होने वाली है, बोट के दूसरे तरफ पे भार डालो भैया 200-300 किलो। तो अब यहाँ पर हम फाइनली निकल चुके हैं अपनी बोटिंग वगैरह करके। ये एरिया जो है ये ऐसे सिविलियंस के लिए टोटली ओपन नहीं है, लेकिन हमारे को कुछ ऐसे स्पेशल परमिशन वगैरह मिल गई थी। इधर से अब जाएंगे बुआ के घर पे वापस एंड वहाँ से मंडी के लिए दोबारा से निकले। यहाँ पर अब हम मंडी पे पहुंच गए हैं एंड अब टाइम है बंटी की खाने का, भूख लग रही है। 2:45 बजे का टाइम हो रहा है, 2:45 से ऊपर ही 147 पौंड पे कभी कुछ नहीं करते। तो अभी बन टिक्की के लिए हम पहुंच रहे हैं, बन टिक्की मैं और मम्मा लेने जाएंगे। चलो अभी यहाँ पर रोक लो ना गाड़ी, फिर पूरी ये रहा बन टिक्की वाली दुकान, लास्ट टाइम भी यहाँ पर आए थे। एक दही बड़ा भी दे। ये आ गई मम्मा की टिक्की और मेरे दही बड़ा, अभी ये खाते हैं। जो गाड़ी में बैठे तीन जाने उनको बिल्कुल नहीं पता हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उनको वीडियो में पता चलेगा। हाँ थैंक यू। अपनी बन टिक्कियाँ लेकर हम अब निकल चुके हैं गाड़ी में जाने के लिए। गाड़ी जो है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सिंगल रोड है ना, तो यहाँ पर गाड़ी रुकती नहीं है। तो अब नीचे जाएंगे हम गाड़ी में और फिर उसके बाद आगे मंदिर जा रहे हैं हम। कौन से मंदिर में जा रहे हैं हम? तारना। वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पापा का ब्लॉग देखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा लेट ही आएगा, लेकिन आप पापा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरी उसकी हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ पापा आपको बता देंगे। तो लो भाई हम पहुंच गए मंदिर में और मंदिर में पहुंच के अब बारी है पार्किंग ढूंढने की। पार्किंग कहाँ पर है? सबसे मेन पंगा तो यहाँ पर पड़ेगा, तो देखते हैं पार्किंग की तरह, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं पार्क करके गाड़ी को। भाई ये है मंदिर की एंट्रेंस और इधर है ये मंदिर है, लेकिन आई डोंट थिंक अभी पहले मंदिर गए। यस, पहले अपना टिक्की वगैरह खाएंगे भाई, भूख लगी सभी को, तो अभी ये खाते और भूख मिटाते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे मंदिर में मत्था देखने के लिए। सो भाई अब खाना पीना हमने कर लिया है, भूख जो है वो ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल 100% तरीके से। तो ये जो टेंपल है, पहली बात तो मंडी को कहते हैं छोटी काशी, ठीक है, वो क्यों कहते हैं? और ये जो टेंपल है ये है श्याम काली टेम्पल, तो श्यामा काली, ठीक है। तो अभी आपको मैं एक बोर्ड दिखाता हूँ जिसपे इसकी सारी लिखी हुई है, आप इसको चाहे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ये देखो भाई, ये यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि मंडी को छोटी काशी क्यों बोलते हैं और श्यामा काली टेम्पल। तो मेरे को ओवरऑल जो पता लगा, छोटी काशी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर शिव जी के बहुत सारे मंदिर है ना,
और छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं जो कि काशी को रिजेम्बल करते हैं। हाँ, जो मेन हमारी काशी एक हिंदू पूजा स्थली के रूप, देखो ऐसे कहते हैं काशी ऑफ द हिमाचल, मंडी को काशी ऑफ द हिमाचल, हिमाचल की काशी, काशी जो है वो है ये, तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं। तो आप इसको रीड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर माता जी की मूर्ति रखी है। हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई है, बनाई हुई है। ये बनाई है कि यहाँ पर पहले ही होती है? पहले से ही है। अच्छा, तो यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी थी। ये गुरुद्वारा है और इसके अंदर से आपको अभी दर्शन करवाते, तो चलो भाई यहाँ पर पहले अपने पैर साफ कर लें और चलते अंदर। इधर आए मत्था टेकने के लिए। तो भाई ये देख रहे हो आप, ये जो है ये है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, जो थे दसवें गुरु, उनका ये बेड है, मंजी है उस टाइम के, आप कह सकते हो। गुरु गोविंद सिंह जी पलंग थे तलाई साहब, वो सारा कुछ है जो गुरु जी ने खुद यूज़ किया। हाँ, ये सारा उनका खुद से यूज़ किया हुआ सारा कुछ है। ये देखो ये उनका इंस्ट्रूमेंट है रबाब साहब। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर है, जो कि 1758 में खींची गई थी, अपना जो मंडी के राजा थे उनके महल से ये खींची गई थी। और ये देखो सही बात है, बहुत बड़े बड़े होते थे। तो चलो भाई अब हम गुरुद्वारे से बाहर निकल चुके हैं। तो भाई यहाँ पर अब मंडी में जो जो हमारे गुरु जी की जो यहाँ पर कोठी बनी हुई ना, अभी वहाँ पर आए हैं। और भाई इतनी ग्रीनरी है ना, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर, इतना मज़ा आ रहा है। देखो आप खुद देखो भाई कितना शांत माहौल है यहाँ पर। मैं ना बोलूँ, आपको पता है मेरे बोलने से तो यहाँ पर शांति होगी, मैं ना बोलूँ तो इतना शांत माहौल, इतना सुंदर माहौल है ना भाई, मज़ा आ जाता है। चलो भाई अब हम वहाँ से होकर सारे नदी के पास अंदर यहाँ के पास से होकर वापस जा रहे हैं। शर्म कर लो, पहला होट पहला जोर लग, पहला सिर ते लगी था ना, फिर घुमाई जा रहा तो लो भाई हम पहुंच चुके हैं अपने मामू के घर पे, दादू मामू के घर पे, मेरे चाचू के घर पे, जो मर्जी आप कह सकते हो। तो अब अंदर सारी फैमिली है और रेस्ट वगैरह हमने थोड़ा बहुत कर लिया जो करना था। अब यहाँ पर एक मंदिर भूतनाथ मंदिर है, वो भी एक माता का मंदिर आप कह सकते हो, जैसे कि हम पहले जाके आए थे। यहाँ पर मंडी में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, लेकिन ये भी एक मंदिर है जहाँ पर अब आपको जाके दिखाते हैं कि क्या है। तो चलो अब चलते हैं। यहाँ से सभी दर्शन कर लो अपने, दर्शन कार जो करने।
ये देखो ये देखो भाई, यहाँ पर ये ढोल इतने पुराने पुराने जमाने के पड़े, कितने बड़े बड़े ढोल है ये भाई साहब। चलो अब यहाँ पर एक बार माथा टेक लेते, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। अभी लाइटें नहीं थी पहले, जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो यहाँ पे आते थे, अंदर लाइटें नहीं होती थी। अच्छा, मतलब ये लाइटें आप देख रहे हो ना, चल रहा, मतलब जितनी जितनी दीवारें वगैरह देख रहे हो ना आप, ये सब टाइम के ओरिजिनल है बिल्कुल। पापा मेरे को ये बताओ, ये मंदिर का नाम भूतनाथ मंदिर कैसे पड़ा? बेटा जो भगवान शिव है ना, भगवान शिव को भूतों का नाथ कहा जाता है। अच्छा, जो भूत प्रेत जितने भी है ना, वो भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं। अच्छा, ठीक है, इस वजह से भगवान शिव को ही भूतनाथ कहा जाता है। और इस ये मंदिर जो है भगवान शिव का बना हुआ है, और इसीलिए इसको भूतनाथ मंदिर कहा जाता है। ठीक है, अभी भाई यहाँ की है स्पेशल काली मिठाई। काली मिठाई यहाँ की स्पेशल है, मतलब ऐसे ना वो गुलाब जामुन टाइप है, लेकिन और लेकिन क्यूबिकल फॉर्म में है, मतलब गुलाब जामुन जैसा टेस्ट है लेकिन गुलाब जामुन नहीं है, लेकिन बर्फी जैसी, लेकिन बर्फी जैसी। तो बेसिकली अब आपको दिखाते हैं वो क्या चीज़ है। ये देखो भाई, ये है अपनी काली मिठाई। देखो ये काली मिठाई अम्मा, बचपन से कमजोरी रही है अम्मा, तोड़ो। ये देखो भाई, ये अंदर से भी ऐसी है, मैं खिला रहा था। चल मैं कुछ खा लूँगा, गुलाब जामुन जैसे टाइप ऑफ टेस्ट है। चलो, मिल्क केक जो है वो मम्मा की वो है वीकनेस, और वो भी काला काला वाला। देखो फ्री की मिठाई खा जाओ, बूट ज्यादा काला वाला है अपना, खाओ। मेरे साथ चीटिंग करी थी ना, मेरे को पहले दिया नहीं था ना। ये देखो भाई, फाइनली हम इस पोल पे आ गए। पता कितना पुराना बना हुआ है ये? ये बना हुआ है 1806 ईस्वी, नहीं हाँ ईस्वी कह सकते, 1806 साल का बना हुआ है, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और मतलब थोड़े टाइम पहले तक बसेस ट्रक्स सारा कुछ इसके ऊपर से निकलता था। 1872 और लिखा हुआ है, हाँ 1877 हाँ 1877 का है। ओके, तो भाई आज का दिन जो है बहुत ही मज़ेदार था। आपको छोटी काशी के मैंने जो मंदिर वगैरह वो दिखाए, यहाँ पर भी एक मंदिर है। ये देखो भाई, आपसे बात करना तो ये एक मंदिर है, इसी की लाइन में आके तीन से चार और मंदिर है, चार पांच मंदिर एक ही लाइन में लगे हुए हैं। इतने मंदिर है इतने से एरिया में, तो आप सोचो पूरी मंडी में कितने मंदिर होंगे। सब प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर, हाँ बिल्कुल हिस्टोरिक, मगर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो खुद से ऐसे बनाया हो, लेटेस्ट बनाया हो, सारे प्राचीन मंदिर है। तो आज का दिन जो, आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। होप सो आप सब, आप सबको ये सीरीज़ का ये सेकंड एपिसोड जो है ये बहुत पसंद आया होगा। जैसा भी लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे कल के दिन पे, कल के व्लॉग पे, ये बर्फी खा के, बाय।